राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मितव्ययता के रास्ते पर बढ़ते हुए मंत्रियों के विदेश दौरों को लेकर सख्त हो गई है। मंत्रियों के विदेश दौरों को लेकर कैबिनेट सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। कैबिनेट सचिवालय के सर्कुलर में दौरे को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राजस्थान सरकार के मंत्री अब महीने में 15 दिन से ज्यादा किसी विदेश दौरे पर नहीं रह पाएंगे और तो और हर सप्ताह के पहले 3 दिन उन्हें जयपुर में ही रहना पड़ेगा। इससे अधिक दौरे करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री की इजाजत भी लेनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर सरकार के कैबिनेट सचिवालय की ओर से निकाले गए इस आदेश के बाद अब गहलोत सरकार के मंत्री हर सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक जयपुर में ही रहेंगे और लोगों की सुनवाई करने के साथ ही सरकारी कामकाज निपटाएंगे। यदि किसी जरूरी काम से किसी मंत्री को सप्ताह के पहले 3 दिनों में जयपुर से बाहर जाना हो तो इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। मंत्री सप्ताह में ही अपने निर्वाचन क्षेत्रों या प्रभार वाले जिलों में जा सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों के विदेश दौरे ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर के दौरों के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मंत्रियों को यदि विदेश या राजस्थान से बाहर जाना है तो पहले मुख्यमंत्री की इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही विदेश यात्रा के लिए यात्रा का उद्देश्य, विवरण और खर्च की पूरी जानकारी भी देनी पड़ेगी। आपको बता दें, जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी तो उस वक्त एक कार्यक्रम शुरू किया गया था सरकार आपके द्वार नाम से, और उसमें मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार एक सप्ताह के लिए जिलों के दौरे पर निकलती थी। उस समय विपक्ष में रहते हुए अशोक गहलोत अक्सर ये आरोप लगाते थे कि ये सरकार जयपुर में तो टिकती ही नहीं है और इसके चलते सचिवालय में कोई काम नहीं होता। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का यह आदेश इसी ओर लिया गया है।